अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ पर देसी व्लॉग्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो व्यूअर्स, आज हम निकले हैं बाहर अपनी सीएस टीम के पीछे। तो अभी हम लोग साहिबा से तकरीबन 10 किलोमीटर फासले पर हैं, तो मैंने सोचा साथ में एक छोटा सा व्लॉग्स भी बना लूँ, तो आप थोड़ा साहिवाल भी देख लेंगे। इसी माने इंशाल्लाह ताला अभी ऐसे हम निकलते रहेंगे तो वीडियोज़ बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग इस टाइम मौजूद हैं 98 सिक्सार है ना। हम लोग निकले हैं सेल्स के लिए और ये देखिए मेरा सेल्स स्टाफ भी साथ है, ये और ये और ये। तो हम लोग रास्ते में रुके हैं एक जगह पे, यहाँ ये है आदमी शिकंजवी बेच रहा है। क्यों जी शिकंजवी बेचते हो? कितने का ग्लास दे रहा है? अच्छा ठंडा, चलो बनाओ फिर, चार गिलास साढ़े लिए बनाओ। तो ये बड़ा अच्छा एरिया है, देखें ये पूरा ग्रीनरी है। हाँ जी, ये शिकंजवी तैयार हो रही है हमारे लिए, ये देखें जी। ये रोड है हड़प्पड़ रोड है, ये साहिवाल से आता है रास्ता जहाज ग्राउंड। और ये देखो, पाजी की नाम है थोड़ा? जुल्फकार। अच्छा जी, ये अगर आप जाएंगे ना इस रोड पे तो जुल्फकार इमली आलू बुखारा, इधर आप रुकें, आप भी पिए और गर्मियों में ठंडे होके जाएं। तो ये बड़ी अच्छी जगह, इतने तक कस्टमर आ जाते हैं जी, कस्टमर लग जाते, लोग आते रुकते पीने लिए, काफ़ी मिल जाते, गुजारा हो जाता। चलिए, ये बैठने का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया है भाई ने, ये चारपाई रखी हुई है और चारपाई पे सारा बैठने का बंदोबस्त किया है। और ये देखें पीछे का माहौल देखें कैसा, बहुत प्यारी जगह माशाल्लाह, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। ये देखें बादल आए हुए हैं, बहुत प्यारा मौसम हुआ है और ट्रैफिक चल रही है इधर। ये सीधा रोड चीचा पथनी को चला जाता है बनारसा हड़प्पा, और हड़प्पा म्यूज़ियम भी इसी रास्ते में आता है। ये हमारी शिकंजवी तैयार हो रही है, ये देखो जी स्टाफ साडा, ठंडी ठंडी शिकंजवी पी रहा है। जुल्फकार शादी हुई है थोड़ी? नहीं हुई हले, क्यों क्यों नहीं की थी हले तक? कितनी उम्र हो गई हैं? उम्र बहुत है। बहुत कितनी? 100 साल है हैं? 70 72 65 70 कितनी? नहीं यार, तू तो दिल छड्डी बैठा, करोगे इंशाल्लाह ताला। ते इत्थों किस तरह आंदे हो, पैदल ही आंदे हो? हां ऑन कर दे, करता शिकंजवी पीना ठंडी ठंडी। गर्मियों में ठंडी शिकंजवी तो इसका तो मज़ा ही अलग है। हम लोग गुजर रहे थे काफ़ी रखी थी, तो हमने सोचा कि इधर रुकते जुल्फकार भाई रुक रहा हूँ, जुल्फकार भाई के पास रुक के हमने कहा ठंडी ठंडी शिकंजवी पीने, आप भी अगर इधर से गुजरते हैं तो लाजम पिए। इन तीनों ने पी लिया, वैसे मेरी अकेले की रह गई, मैं भी ख़त्म कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला इधर से आ जाएंगे। चलो बस, गर्मियों में लोग ज़्यादा शिकंजवी पीते हैं या आलू बुखारे का शरबत? आलू बुखारे का शरबत पीते हैं। अच्छा, वो सावन भादों अभी शुरू हो गया इसलिए आलू बुखारा बंद कर दिया, काम नहीं। अच्छा, शिकंजवी ज़्यादा चलती है।